सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को खजनी ब्लॉक के परफॉर्मेंस ग्रांच के तहत चयनित गांव ग्राम पंचायत भेउसा उर्फ बनकटा में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि विकास खंड खजनी में परफॉर्मेंस ग्रांच के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायत भेउसा उर्फ बनकटा में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन भौतिक सत्यापन अनुश्रवण हेतु चौपाल आयोजित की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत संचालित योजनाओं की जानकारी लिया है। ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित सभी सरकारी योजनाओं के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दिया, जिसके बाद सीडीओ ने उपस्थित जनता से आपत्ति मांगी तो जनता ने कुछ विभाग के कार्यों पर असंतुष्टि जाहिर किया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव में नहीं आती हैं और ना ही लाभार्थियों को पोषण आहार वितरण करती हैं और राशन के संबंध में भी काफ़ी एप्लीकेशन पड़े, जैसे कि नाम बढ़ाना, नाम काटना इत्यादि। ग्रामीणों ने सीडीओ से गुहार लगाई कि गांव में 2 महीने से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, हम लोग पानी के बिना तरस रहे हैं, जिससे हमारे घर में काफ़ी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। सीडीओ ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति से ग्राम पंचायत में कार्य होगा, किसी को कोई भी शिकायत है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन लगाए, आपकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह, सीडीओ, डीपीआरओ हिमांशु शेखर, बीडीओ कार्तिकेय मिश्रा, एडीओ पंचायत परमात्मा पांडे, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि झिकान बेलदार, सचिव प्रसून मिश्रा, कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर प्रदीप, एडीओ रचना पांडे, शिव कुमार, सप्लाई सचिव रोशन सिंह, श्रीवेंद्र पाल सिंह, विजय गुप्ता, गंगा प्रसाद, दिग्विजय, सतीश चंद्र यादव, अजय कुशवाहा, चेतन त्रिपाठी, अतुल सिंह, सोनू सिंह, रोजगार सेवक लेखपाल उमेश, आशा आंगनवाड़ी, ग्राम सभा के लोग सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खजनी और एक नया अस्पताल है उषमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसके माध्यम से ओपीडी आईपीडी जो अस्पताल में सुविधाएं दी जाती हैं, जहां दवा निःशुल्क मिलती है, जांच निःशुल्क है और उसके अलावा हॉस्पिटल में नियमित टीकाकरण, कोविड जांच, ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कोई भी समस्या है वो सोमवार को इसी जूनियर हाई स्कूल पे कैंप लग रहा है, आप आकर वहाँ पर बताएंगे। कृपया बाकी सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। दूसरा व्यक्ति ले लीजिए। क्या भाई लोग योजना आने वाली है, मगर कोई हमारे किसान भाई लाभ लेना चाहते हैं तो उसका जरूर ध्यान रखें और प्रथम आवास मतलब आवास के सिद्धांत के आधार पर भी वहाँ भी लाभ इसका मिलता है, तो आप लोग जब भी इसका नोटिफिकेशन हो तुरंत ऑनलाइन आप लोग हमें सरकार की योजना आप तक पहुँचे और आपसे ये उम्मीद है कि जो सरकार की योजना चल रही है उसमें आप भी सहभागिता करें। जैसे आप अभी हमने अपील की बिजली का बिल देने की आपसे, अगर बच्चों का टीकाकरण होना है तो ये महिलाओं की पुरुषों की जिम्मेवारी है, उसको टीकाकरण को समय से समय करवा लें। जो सरकार आपको ये सुविधा दे रही है उसमें कोई भी अधर्मिता नहीं दिखानी है। ऐसे ही आप कोविड का टीकाकरण है उसमें अच्छा काम हुआ है, यहाँ पे एम्बुलेंस की एक कंप्लेंट हुई है वो मैं अभी उसको जाके जाँच कराऊंगा कि एम्बुलेंस की जो कंप्लेंट है उसमें क्या समस्या है, अगर सही पाया गया तो उसमें कार्रवाई होगी। टीकाकरण को लेकर अगले 2-3 दिन में हमारे जो डिप्टी सीनियर साहब ये कराएंगे, नहीं तो आपको नंबर दे दिया, मेरा नंबर है, उसका आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। सोमवार को स्वास्थ्य कल्याण विभाग यहाँ पेंशन के लिए एक कैंप लगाएगा, जिन जिनकी पेंशन नहीं मिल रही है या कट गई है वो अपने कैंप में आके करेंगे। राशन का जो समस्या है उसके हल के लिए पीछे बैठे हुए सब लोग वहाँ गए हुए हैं, एक बार दोबारा सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ पे आते हैं, लगवा देंगे, पता नहीं आप उससे कॉन्टेक्ट कर लेंगे तो आप राशन और पेंशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। जन निगम के लिए एक्सचेंज जन निगम जब हमारे नए आए वो ठीक किया है, आपके गाँव के जो जन और ये ट्रेकिंग समस्या है उसको आपके स्थान भी करेंगे, फिर भी अभी उनके बैठ रहे थे मास्क लगा के बताइए। आशा ये सरकारी है,
समझ समझ के बताइए, पूरा समझ लीजिए बात करिए। एसडीओ बिजली विभाग उन्हें बिल्कुल भी आप नर्सरी विद्यालय में मत भेजे, हमारे सेंटर में भेजे, उन्हें गतिविधि के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपकी शिक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरी हमारी योजना है अनुपूरक पोषाहार की योजना। जो भी बच्चे 0 से 3 साल के जो स्कूल नहीं आ सकते, उन्हें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया। बैठिए सब लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, आप लोग सामने आइए। खजनी में सर चौपाल सर किस किस तरह का मामला है, कितने लोगों ने स्टार हुए? हाँ, आज जो खजनी में चौपाल मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, उसमें जो है भेउसा बनकट गांव जो हमारा परफॉर्मेंस ग्रांट का भी गांव है, सबसे पहले परफॉर्मेंस ग्रांट के हर कार्य को वहाँ पढ़ के सुनाया गया, जो अभी जिनका जो टेंडर हो चुका है और जो आने वाले 6 महीनों में होने हैं, उसी परफॉर्मेंस ग्रांट के सारे कार्य को स्कूल की जो हमारी एक दीवार है उस पर भी लिख दिया गया है परमानेंट कलर से, जो सिटीजन इन्फॉर्मेशन बोर्ड का काम करेगी। ये काम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ये इसीलिए सारे गाँववासियों को ये बताया गया है। इसके बाद जो लोगों की समस्याएं सुनी गई, जिसमें मुख्यतः समस्या हमें राशन कार्ड की आई, राशन कार्ड में नाम बढ़वाने को लेके या जो है हमारे पात्र लोगों को उसमें ऐड करने के लिए, उसके लिए अलग से कैंप आज वहाँ पे 2-3 घंटे का चला है। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब द्वारा वहाँ पे सारे जो प्रार्थना पत्र लिए गए हैं और जिनका अप्लाई हो चुका है नहीं बनाया, उनकी भी समस्या हल की है। इसके बाद पेंशन की समस्या सबसे ज़्यादा थी, तो ADO समाज कल्याण जो है वहाँ पे उनको सोमवार को निर्देशित किया गया है कैंप लगा के सारी जो पेंशन की समस्या है वो हल करें, क्योंकि उस गांव में गांव का जो नाम था वो सॉफ्टवेयर में कुछ उसमें नाम में प्रॉब्लम आने के कारण वो नहीं हो पा रहा था, जुड़ नहीं पा रहे थे नए पेंशन, तो वो ठीक करवा दिया गया है। इसीलिए सोमवार से वो कार्य जो पूरा करा लिया जाएगा। जो हमारे PM किसान निधि के अंतर्गत जो नए नाम जुड़ने हैं, सत्यापन होना है, उसका भी वहाँ पर कृषि विभाग द्वारा किया गया है। और रूटीन इम्यूनाइजेशन में जो हमारे वहाँ के MOIC हैं खजनी के, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अलग से अपना बताया गया है कि क्या क्या योजनाएँ चल रही हैं, और इसके अलावा जो पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा जो वहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में किया गया। मुख्यतः समस्या लोगों ने वहाँ पर जो है अवैध कब्जे की बताई गई है, उसमें जो हमारी राजस्व की टीम है, टीम बना के SDM साहब को निर्देशित किया गया कि उसका हल करके मुझे रिपोर्ट सबमिट करें।